प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। बात गर्मी और चर्बी से आगे बढ़ चुकी है। अब जनता देश के दो मुख्यमंत्रियों के बीच तल्ख टकराव की गवाह बनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जुबानी झगड़े की शुरुआत सुन केजरीवाल और सुन योगी से हुई। इस चुनाव में दो मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर वॉर छिड़ चुका है। देखिए प्राइम टीवी की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सियासी रण में इन दिनों कोरोना काल के दौरान दिल्ली से मजदूरों का पलायन का मुद्दा गरमाया हुआ है। योगी आदित्यनाथ लगातार मजदूरों को लेकर केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। केजरीवाल पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और तंज कसते हुए लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करा रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। सीएम योगी पर पलटवार करने का अरविंद केजरीवाल ने जरा सा भी मौका नहीं छोड़ा। फिर केजरीवाल ने उसका जवाब अपने अंदाज में दिया। सीएम योगी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने उनकी तुलना मानवता द्रोही से कर दी। बता दें कि सीएम योगी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने भी तल्ख लहजे में ट्वीट करते हुए लिखा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दलीय और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। वहीं इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और इसी कड़ी में संजय सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सुनो आदित्यनाथ, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी भाषा मुख्यमंत्री के बजाय चौराहा छाप नेता की है। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है और इस चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे। लेकिन जिस तरह से जुबानी मर्यादा अब कहीं पीछे छूट रही है और जुबानी जंग अब ट्विटर पर देखने को मिल रही है, इसका परिणाम क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, तल्ख टिप्पणियां भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो ये अब ट्विटर वॉर शुरू हुई है दो मुख्यमंत्रियों के बीच, इसका परिणाम काफी दिलचस्प होगा। इसका परिणाम 10 मार्च को आएगा। अब यूपी का चुनाव है और इसमें दिल्ली भी शामिल हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।